हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो जैसे तुम लोगों को पता होगा कि आज हम टेस्ट करने वाले हैं माइनक्राफ्ट का कुछ ऐसा टिकटॉक हैक दैट विल ब्लो योर। तो चलो बढ़ते हैं नंबर वन हैक की ओर। तो सबसे पहले हैक के लिए तुम्हें चाहिए हनी ब्लॉक, बो, एरो एंड एक लावा बकेट। एंड तुम्हें कुछ इस टाइप से लगा देना है। मैं इसको फर्स्ट में दिखा रहा हूँ ताकि टाइम ना वेस्ट हो जाए। बस अब यहाँ पे डालना है सिर्फ एक लावा बकेट, ये बन गया। एंड बस तुम्हें यहाँ पे एक बो शॉट करना है, यहाँ पे एकदम कॉर्नर में। लेकिन तुम कॉर्नर में देखो, अब देखो ये हो गया जादू। अब यहाँ से कुछ अलग टाइप का साउंड, जैसे डिस्पेंसर में लगाने से जैसे निकलता है ना, उस टाइप का कुछ साउंड निकलेगा। मैं इसको दोबारा से दिखा देता हूँ यहाँ पे भी करके। ये देखो एकदम से यहाँ पे टिक करके ऐसे मारा, देखो ये भी बन गया है। तो ये कुछ अलग ही कितना एपिक लगता है। एंड अब यहाँ पे अगर तुम सिंपल ब्लॉक में मारोगे रहानी का, तो ये कुछ इस टाइप से निकलेगा। कितना मतलब कितना कूल लगता है। ऐसे इनको तो बहुत अच्छा लगा ये हैक, तुम्हें लगा कि नहीं कमेंट में बता देना। सेकेंड हैक के लिए तुम्हें सिर्फ एक आर्मर स्टैंड चाहिए, एक कॉबल स्टोन चाहिए, एक इनविजिबिलिटी पोशन, एक डायमंड स्वॉर्ड चाहिए। तुम कोई सही स्वॉर्ड ले। वैसे मैं कॉबल स्टोन क्यों ले, इसका कोई यूज़ नहीं है वैसे कॉबल स्टोन का। एंड मैं इसको फास्ट में दिखा देता हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम चले जाएगा। वैसे लकी मेरा लग जा, अभी भी बोल रहा हूँ लग जा। मेरा बहुत दिमाग गर्म हो गया, लग जा। फाइनली 200 साल बाद ये लग गया है। एंड इस सब में मैं लगाया तो बस अब सबको एक एक करके डायमंड स्वॉर्ड दे देना है, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे जैसे मैंने सबको डायमंड स्वॉर्ड दे दिया है। बस अब ये बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे सिर्फ एक इनविजिबिलिटी पोशन, यहाँ पे मार दो इनविजिबिलिटी पोशन। अब ये बहुत एपिक लग रहा है। और तुम्हें लग रहा होगा कि अच्छा नहीं है, तुम अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में एक बार या फिर कोई भी अपने वर्ल्ड में बना के देख। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं देखो तुम्हें ये सब सामान रख देता हूँ एंड अब मैं सर्वाइवल में तुम्हें दिखा देता हूँ। तो सर्वाइवल में आने के बाद तुम जब मन करेगा उसको ले लेना ऐसे, एंड जब मन करेगा रख देना ऐसे। तो ये बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मैं बोलूँ ये मेरे वर्ल्ड में बहुत अच्छा लगा है। अब बढ़ते जल्दी से थर्ड हैक की ओर। तो ये थर्ड हैक में मैं तो तुम साथ सामान देख के समझ गए होंगे कि शायद से कि मैं इस में बनाने वाला हूँ एक ट्रैम्पोलाइन। तो उसके लिए तुम्हें कुछ इस टाइप से ऐसे डिक कर देना यहाँ पे। वैसे मैं डिक कर दूँ ताकि कुछ इस टाइप से अप एक डाउन में फेस करना चाहिए ऑब्जर्वर को। और यहाँ से मैं कवर कर देता हूँ, ये होल को बहुत गंदा लग रहा है। एंड यहाँ पे स्टिकी पिस्टन रख दो। लग गया आखिरकार। तो यहाँ पे एक लगा देना स्लाइम ब्लॉक, मैं लगाता हूँ सब में। तब तक ये मैं फास्ट करके दिखाया था तुम्हें। बस अब यहाँ पे सिर्फ एक ऑब्जर्वर लगाना है। ये क्या, नहीं मैं उल्टा डायरेक्शन में हूँ, यहाँ से करना चाहिए मुझे। तो लग जा। अरे नहीं लग रहा है फिर से। मेरा अभी बहुत ज़्यादा दिमाग गर्म हो रहा है लेकिन इस गेम में। अरे लग जा आखिरकार 200 साल बाद लग गया। तो ये तो बहुत एपिक लग रहा है। यहाँ पे एक बोट स्पॉन कर दो, देखो ये और भी ज़्यादा मस्त लगेगा। जैसे लग रहा है बोट का डांस हो रहा है यहाँ पे, वाह। एंड एक और तुम्हें चीज़ दिखाने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा फनी मुझे लगता है। उसके बाद तुम्हें एक वुल्फ का एक ऐसे स्पॉन कर दे यहाँ पे चारा रख देना है उसका, चारा आई मीन शिप। ये क्यूट वुल्फ, इसके लिए मुझे बहुत ख़राब वैसे लगता है, ये गलत बात है, लेकिन जो भी है ये बहुत ज़्यादा फनी लगता है। इसको पहले गुस्सा में आने दो भाई, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। लेकिन अभी ये काटेगा। काट लो। ओ सॉरी आरएपी वुल्फ। तो आज के लिए बस इतना ही था। वैसे मुझे उस वुल्फ का जाने का बहुत ज़्यादा दुख है। तुम्हें कि नहीं कमेंट में जाके पक्का बता देना। लेकिन अगर वो बताओगे या नहीं बताओगे, लेकिन ये बता देना तुम्हें इसमें से सबसे अच्छा कौन सा टिकटॉक हैक लगा है। वैसे मैं बताऊँ तो मुझे फर्स्ट वाला अच्छा लगा है। एंड आज के लिए बस इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।